स्कूटी में हवा खत्म हो गई है, स्कूटी में हवा खत्म हो गई है, हवा खत्म हो गई है, तो आप देख सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये बन चुके हैं गर्मा गर्म पराठे बन रहे हैं, और ये देखिए मस्त वाली सब्जी, आपके भी मुंह में पानी आ रहा है। हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, और मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ एक प्यारा सा व्लॉग। सो व्लॉग में पूरा बने रहिएगा, आज का व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। मेहनत की है फ्रेंड मैंने इस प्लांट को पालने के लिए, बड़ा करने का मतलब मैंने इतना बड़ा कर दिया, मुझे बड़ी खुशी होती है, लेकिन ये छोटा सा तब से था, अब ये बड़ा हो गया है, तो ये मतलब इसको स्पेस चाहिए, इसको बड़ा होने के लिए तो स्पेस चाहिए ना। सो फ्रेंड्स, आज मैं सोच रही हूँ कि इसको हमें किसी दूसरे गमले में शिफ्ट कर देती हूँ, और अब देखती हूँ कैसा क्या होगा, या तो इस गमले को तोड़ना पड़ेगा या फिर, लेकिन इसको स्पेस तो चाहिए, जब तक गमला नहीं टूटेगा तो शायद मुश्किल ही निकलेगा पीहू, है ना। हाँ, तो इसको भी फ्रेंड इसकी जड़ तब तक, अगर गमला बड़ा होता तो ये बड़ा भी हो जाता। हाँ, तो इसकी मुझे लग रहा है कि इसकी थोड़ी सी ग्रोथ रुक रही है, और छोटे छोटे इसके अंदर देखने निकल भी रहे हैं पेड़, और इसको मैं फ्रेंड आज चेंज करने वाली हूँ, और आज दिन में जो जो होता रहेगा फ्रेंड वो सब मैं आपको दिखाती रहूंगी, लेकिन व्लॉग में आपको पूरा बने रहना है। आज पीहू भी घर पर ही, और पीहू को भी कुछ ना कुछ क्लिप देखने को आपको मिलेगी, तो चलिए व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। और एक बार फिर से पीहू, एक बार जूम करके दिखा दो ये प्लांट सबको, बहुत ही प्यारा प्लांट है फ्रेंड, और इतना खूबसूरत है ना, सच में क्या बताऊं, पता नहीं इस प्लांट का नाम क्या है, मुझे खुद को भी नहीं पता इसका नाम क्या है। कि फ्रेंड्स, आप लोगों को अगर पता है, हाँ, इस प्लांट का नाम, अगर आप लोगों को जरूर बताएं इस प्लांट का नाम पता है, तो फ्रेंड मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना, कि अगर आपके घर में भी प्लांट है तो मुझे कमेंट करके आप जरूर बताना। तो चलो छत पे चलते हैं, छत पे चलना पड़ेगा। हाँ, तो फ्रेंड छत पे चलते हैं, और छत पे चल के अब प्लांट चेंज करते हैं, जो पुराने जो दूसरे वाले गमले हैं उनमें चेंज करते हैं। तो चलते हैं, पहले क्या करूं पीहू, इसको कैसे निकले। फ्रेंड जैसा कि आप देख रहे हो, बीच बीच में पीहू बड़ी मस्ती कर रही है, क्योंकि आज पीहू की छुट्टी है, पीहू ने ऑफ किया हुआ है, इसके सर में बड़ा दर्द रहता है पता नहीं क्यों, तो एक दो दिन ही छुट्टी पर रहने वाली है, तो मैंने सोचा कि आज ब्लॉग में पीहू भी आ जाएगी, और बीच बीच में पीहू अपनी मस्ती भी आप लोगों को दिखा रही है। तो देख सकते हैं कितना प्यारा प्यारा है ना, कितना प्यारा सा है, ऐसा लग रहा है प्लास्टिक का हुआ ना है, और इसको हमने नीचे घर में रखा हुआ था, बड़ा प्यारा लगता है देखने में, तो अभी देखते हैं इसको चेंज करते हैं, तो बड़े में शिफ्ट कर देंगे, तो फिर नीचे क्या रखेंगे, ऊपर ही रख देंगे ना। नहीं नहीं, नीचे रखना पड़ेगा। फिर इसमें क्या छोटे छोटे निकलते हैं, ये छोटे कितने सारे हैं ना, ये स्पेस नहीं मिल रहा। हाँ, ये छोटे छोटे प्लांट ये निकलते हैं ना, इन प्लांटों को और अपन ना इनको बो सकते हैं अच्छे से। तो फ्रेंड देख सकते हैं, अब देखते हैं क्या होने वाला है, जो जो होता रहेगा दिखाते रहेंगे। चलिए जी चलते हैं, ब्लॉग स्टार्ट करते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग होने वाला है आज का, तो चलिए चले पीहू। चलो पीहू, क्या हुआ, चाय बन गई क्या? जल्दी से बना लो यार, बहुत सारे काम करने हैं, अभी तो किचन का काम भी नहीं हुआ है। बन चुकी है। और सुनो, आज क्या बना रही हो पीहू, तुम ब्रेकफास्ट में क्या बनाने वाली हो? ब्रेकफास्ट में क्या खाओगे बताओ आप लोग। फ्रेंड आज है मेरी छुट्टी, आज बनाएगी पीहू, जो भी खाने में होगा पीहू बनाने वाली है। ब्रेकफास्ट में जो तुम बोलो वो बना दूंगी। चलो तुम पराठे बना लो, पराठे खा लो या फ्रेंड मुझे पराठे खाने हैं आज रात को, मैं सैंडविच बना दूंगी। नहीं नहीं, कल खा लिया था वो क्या खा लिया था फ्रेंड, कल मैंने वो बनाया था, क्या बोलते हैं वो बर्गर बनाया था, इतना टेस्टी बनाया था, बहुत ही अच्छा लगा, और चटनी तो वाओ, वो बोल के आपको दिखाना भूल गई। हाँ मैं बस फ्रेंड उस टाइम ब्लॉग बनाने का मन नहीं था, मैंने सोचा कि आज ब्लॉग बनाना ही नहीं है, काम था, काम बहुत था। तो इसीलिए नेक्स्ट टाइम मैं बनाऊंगी ना बर्गर, तो आप लोगों के लिए ब्लॉग जरूर बना के दिखाऊंगी, लेकिन मेरा भरोसा कर लेना फ्रेंड कि सच में मैंने बर्गर बनाया था, और सच में मैंने बर्गर खाया था दोस्तों, मेरा विश्वास करना, मैंने बर्गर खाया है और बर्गर बना के सबको भी खिलाया है। तो यहाँ पे बन गई है चाय, और गर्मा गर्म हो गई है चाय, तो पीने वाले हैं चाय, और चलो पहले चाय पी लेते। पीहू चल रही हो क्या छत पे, तुम चल रही हो क्या? हाँ चल रही हूँ ना, आ जाओ फिर चलते हैं। मैंने वहाँ पे वो मैंने ना चेंज कर दिया था गमला, पता है वो थोड़ा सा टूट गया था, फिर मैंने उसको पता है फिर मैंने उसको क्या किया फ्रेंड्स बताऊं, वो टूट गया था फ्रेंड, फिर मैंने उसको थोड़ा
और मैंने उस गमले को जोड़ दिया जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ, और मैंने इसके अंदर तुलसी का पौधा लगा दिया। देख सकते हैं ये मैंने इसके अंदर चेंज कर दिया है, देख सकते हैं ये बहुत ही बड़ा गमला है, इसके अंदर मैंने चेंज कर दिया। और ये मिट्टी जो वेस्ट निकली थी, ये मिट्टी देखो बाहर निकाल दी थी मैंने, इसकी भी निकाल दी थी और उसकी भी, और एक फूल और हो गया है फ्रेंड, देख सकते हैं इस प्लांट में, ये जो मैरीगोल्ड का था इसके अंदर एक और हो गया है। तो देख सकते हैं अभी खुल के होगा, और एकदम से वो मतलब वो जो था ना गमला, वो निकालते निकालते मैंने तोड़ दिया था, फिर मैंने उसको साइड से सीमेंट लगा के जोड़ दिया था, तो वो मैंने आपको दिखा दिया है। तो वो मैंने उसके अंदर तुलसी का प्लांट लगा दिया था छोटा सा, और मैंने वो बाहर रख दिया है घर के। स्कूटी में हवा खत्म हो गई है, हवा खत्म हो गई है, हवा खत्म हो गई है, आप देख सकते हैं मैंने कभी जिंदगी में ऐसी हवा नहीं भरी है। ये पता नहीं टायर में क्या हो रहा है कि हवा निकली जा रही है, पता नहीं मेरी एक्टिवा में क्या प्रॉब्लम हो रही है, रखे रखे हवा निकल, टायर में पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रही है, टायर में मेरी एक्टिवा के टायर में यार। गाइस तो गाइस देखिए मैं कैसे ऐसे कभी जिंदगी में हवा नहीं भरी, मैंने लाइफ में पहली बार मैंने हवा भरी है ऐसे। यहाँ पे सब्जी काटी जा रही है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स ये बन चुके हैं गर्मा गर्म पराठे बन रहे हैं, और ये देखिए मस्त वाली सब्जी, आपके भी मुंह में पानी आ रहा होगा देख के ना, ये मिक्स वेज वाली जो सब्जी है ना, आलू मटर, आलू 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 टमाटर गोभी है ना, वो सब मिक्स है, और आलू गोभी टमाटर, तो वही तो कह रही हूँ आलू गोभी टमाटर है ना, और ये देसी घी की यम्मी यम्मी पराठे देखो, मैं तो जा रही हूँ वही खाने देसी घी में, मस्त मजा आता है। और ये देखिए बन रहे हैं पराठे, हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग फ्रेंड्स, तो आप लोग कैसे हैं, मैं ठीक हूँ फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज हम इवनिंग में मार्केट जा रहे थे, तो क्या वो मेरी जो स्कूटी है मेरी एक्टिवा की जो टायर है उसकी हवा निकल चुकी थी, मतलब टायर पंचर हो गया था, और हम लोग व्लॉग नहीं बना पाए शाम का इवनिंग का फ्रेंड्स, इसीलिए तो बस ये कि थोड़ा मिस हो गया और तो क्या। तो बाकी हम लोग घूमने गए थे, टायर की हवा निकल गई थी मेरी स्कूटी की, टायर की हवा निकल गई थी मतलब पंचर हो गया था, फिर हम लोग फ्रेंड्स थोड़ा मतलब फिर भाई गए लेके, फिर भाई ने ठीक करवाया उसकी, इसीलिए थोड़ा हम लोग भी डिस्टर्ब हो गए, फिर हम लोग व्लॉग नहीं बना पाए, और फिर नहीं हो गए मतलब थोड़ा ऐसा हो गया था कि तू हवा भर, मैं हाँ मैंने मैं वो किसी का हवा पंप आता है ना हवा भरने का, तो मैं लेकर आई थी ना जहाँ पे स्कूटी की हवा निकली थी ना, जब मैंने वहाँ पे मतलब कि पंप लाके वो हवा भरी थी, तो फ्रेंड्स मुझे पहली बार मैंने वो किया और बड़ा मजा आया, मतलब बड़ा अजीब ही लगा यार, हाँ बहुत अच्छा लग रहा था यार, सीरियस मजा कितना आ रहा था ना उसमें, सीरियसली फ्रेंड्स आप लोग भी देखना ब्लॉग में मैंने कैसे हवा भरी है, और मैंने पहली बार ये सब किया है क्योंकि मुझे नहीं पता कैसे क्या होता है, फिर भाई ने बोला ऐसे करो ऐसे करो, तब मैंने उसमें हवा भरी, वो जो पंप होता है ना उससे हवा भरी जाती है उसमें। तो फ्रेंड्स देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, अब यहाँ बने जा रहे हैं गर्मा गर्म पराठे, तो देखिए हमारी मैडम पराठे बना रही है, और यम्मी यम्मी सब्जी भी बनी है बहुत मस्त वाली, और देखो कटोरी में रखी हुई है, ये देखो घी वाले पराठे देसी घी में आए हाय, कल चीनी के पराठे खाए, मुंह में तो ऐसे पानी आ रहा है फ्रेंड्स मेरे, बस देसी घी के पराठे ना भाई इस मौसम में सर्दी के टाइम में तो मजा ही आ जाता है, क्या कहने, पराठे और विद सब्जी, इतनी मस्त वाली चटपटी सी सब्जी मिल जाए ना सर्दी के टाइम में, और देसी घी के पराठे मिल जाए तो भाई बस बढ़िया एकदम मस्त मजा आ जाता है। मिल तो रहे हैं, क्या मिल गए, मिल तो रहे हैं फ्रेंड्स, देखो देसी घी में पराठे बन रहे हैं, तो फ्रेंड्स आप भी जल्दी 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 आ जाइए, नहीं तो मैं पूरे खा के खत्म कर दूंगी, तो और फ्रेंड्स अरे कल क्या हुआ था, कल मैंने क्या किया था, कल है ना कल मैंने चीनी के पराठे बनाए थे, वो भी देसी घी में इतने मस्त बने थे, बट सॉरी फ्रेंड्स मैं वो व्लॉग नहीं बना पाई, आप लोगों को दिखा नहीं पाई, और देखो अब ये मैडम पराठे बना रही हैं देसी घी में, तो आप लोग भी आ जाइए जी, जिसको पराठे पसंद है ना वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ मुझे, ठीक है, कि किस किस को सर्दी के टाइम में पराठे ज्यादा पसंद आते हैं, क्योंकि देखो हमको तो पसंद है, तो हम लोग तो देसी घी के पराठे खाते हैं, देखो इतने पराठे मत खाए ऑलरेडी, इतनी मोटी मैं इतनी मोटी हो रखी हूँ फ्रेंड्स, आप भी सोचते होंगे पियू
इतनी मोटी कैसे हो रखी है, इसीलिए भी वो मोटी हो रखी है क्योंकि मैं एक तो मीठा छोड़ती नहीं हूँ और एक तो भाई बाहर की चीजें तो बस फ्रेंड्स मेरा तो क्या है कि मेरी जो जीव है ना ये कंट्रोल नहीं रहती है। मुझे जो भी मन को नहीं दर्शाना, मतलब मन को नहीं दर्शाना है। मुझे जो भी बाहर दिखता है मैं छोड़ती नहीं हूँ कुछ भी। और दूसरी बात ये कि जैसे बर्गर हो गया, पिज्जा हो गया तो मैं खाती रहती हूँ, ऑफिस जाती हूँ तो फ्रेंड्स फिर भूख लग ही जाती है ना, पूरे पूरे दिन काम करते हैं तो इसीलिए। और मैं नहीं सोचती ठीक है मोटे होंगे तो देखा जाएगा यार, ठीक है यार जो भी है बाद में हो जाएंगे पतले, मेहनत कर लेंगे और क्या। पर देखो ना ये मैडम मुझे बोलती रहती तो मोटी हो गई यार। ठीक है फ्रेंड्स आप लोग बताओ आपको ज्यादा मोटी नजर आती हूँ मैं? तो है मोटी, ज्यादा नहीं है तू मोटी। इधर टायर निकले हुए पता है, टायर को तेरे कम करना पड़ेगा, टायर को कम कर। टायर है ना, एक स्कूटी का टायर फ्रेंड्स और एक इसका टायर, तो इसके टायर भी निकले हुए तो अपने टायर को थोड़ा मेंटेन करके रख। पता है मैं भी बहुत मोटी हो रही हूँ वैसे। फ्रेंड्स मेरी बेइज्जती कर रही है सर यहाँ लाइव में, मतलब मेरी वीडियो में आके ये मेरी बेइज्जती कर रही है, गलत बात है, बहुत गलत बात है। अरे यार बट यार आप देखो मोटा तो क्या कह सकते हैं, देखो मैं थोड़े ऑयली ऑयली चीजें कुछ ज्यादा खाती हूँ, बाहर की चीजें कुछ ज्यादा खाती हूँ, मीठा मुझे बहुत पसंद है और परांठे तो भाई और पसंद है। तो इसीलिए फ्रेंड्स क्या है ना मैं कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ। अब आप लोग बताओ क्या ये चीज गलत है? खाना भी नहीं खाया इंसान, हद है, खाना भी नहीं खाया इंसान, मतलब कि मोटा हो गया तो खाना पीना सब छोड़ दो। खाती नहीं है इसलिए मोटी है, जो खाता नहीं है ना तो खाएगी ना अपनी पतली हो। यार मैं ऑफिस जाती हूँ फिर ये मुझे पता है क्या बोलती है फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों से बातें करती हूँ, मुझे बोलती है सुबह सुबह तुम ये खाओ वो खाओ, यार मेरा मन नहीं करता कुछ खाने का। अब आप बताइए जो खाने वाला इंसान मोटा नहीं होता है, ये बात हमेशा ध्यान रखिए। वो तो खैर ठीक है बट हम ऑफिस जाते हैं बैठे रहते हैं वहां पे सिटिंग जॉब रहती है तो फ्रेंड्स आप लोग भी जानते हैं। ये देखिए मैडम घी निकाल रही है। तो फ्रेंड्स आप लोगों का खाना हो चुका है, हो गया या फिर होने वाला है, क्योंकि देखो हमारे तो परांठे बन रहे हैं तो हम लोग भी थोड़ी देर में बस खाने वाले हैं। और फ्रेंड्स आप बताइए, फ्रेंड्स आप लोग हमारी वीडियो देखते हैं नहीं देखते हैं पहले तो ये बताइए। देखो फ्रेंड्स पूरी वीडियो देखा करिए आप लोग प्लीज, है ना, क्योंकि हम लोग इतनी मेहनत करके वीडियो बनाते हैं यार, मेरी क्यूट सी सिस्टर इतनी अच्छी अच्छी वीडियोस बनाती है, तो प्लीज आप लोग पूरी वीडियो देखें और लाइक और कमेंट और शेयर करना ना भूले, जो न्यू है वो भी। अभी आज वीडियो को यहीं पे एंड कर दे, तो आज वीडियो को यहीं एंड करते हैं, तो मिलते हैं कल न्यू ब्लॉग में। बाय। खाना खिला दो फ्रेंड्स लोगों को, खाना भी खिला। तो दोस्तों आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और अगर मेरे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लव यू ऑल, बाय बाय।